हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आज हम आपको बताएंगे सास और बहू की कहानी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें शेयर कर दें। माँ, मैं तो बहुत थक गई हूँ, घर संभालते संभालते हैं मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए अपने मैके जा आऊँ, आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मैं का होने का कुछ तो फायदा मिले। नर्मदा ने फोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। नर्मदा खुश हो बोली, हाँ बेटा कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कमला जी ने फोन कट कर दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है, आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यह आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उनका मन और तबीयत अच्छी रहेगी। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान अब तू ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आँखें खुलें और उसे मेरी थकावट भी नज़र आए। शाम तक भगवान ने ऐसे अनुपमा की सुन ली और उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए उस बार वो नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया, पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया, लाओ मेरी बात कराओ, उन्हें मैं समझाती हूँ। नर्मदा ने फोन अपनी सास के पास दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल नर्मदा कल त्योहार है इसलिए अपने मैके आना चाहती है, अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा है। नर्मदा की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जा कर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिन पहले मैं अपने रिश्तेदारों के शादी में गई थी, वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को ससुराल में एक ही बार अपने मायके जाने के लिए मिलता है, वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं नर्मदा को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटे से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए, उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है नर्मदा के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद
रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने महके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएं जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। पार्वती जी को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अनुपमा कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आएगी, आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया क्योंकि वह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई और इस बार एक दो दिन नहीं पूरे एक हफ्ते भर रह कर आई। अपने माँ बाप से अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थीं। अनुपमा के आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई और इस बात को खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। नम्रता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाने में मदद की के वह कहीं ना कहीं अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थी। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदले रवैया से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी उसका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। पार्वती जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव से सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। तो फ्रेंड, ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारी वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।